हेलो इंस्पेक्टर लड्डू सिंह। हाँ बोल रहा हूँ, तुम कौन बोल रहे हो? मैं हूँ कविराज लुटेरा, कविता सुना सुना के भेजा फ्राई करूँगा तेरा। अरे लुटेरे भाई, मुझे कविता सुनने का शौक नहीं है, कहीं और जाके अपना कवि सम्मेलन करो, समझे? सम्मेलन तो यही होगा, लेकिन ये सम्मेलन तुम्हारे लिए नहीं। शिवा से कहना, हरी थी मन भरी थी, हजार मोती जरी थी, राजा जी के बाग में दोशाला ओढ़े खड़ी थी। ढोसा ओढ़े खड़ी थी, ढोकला क्या? अरे क्या कह रहे हो, ये कविता सुना रहे हो या पहेली बुझा रहे हो भाई? जो चाहो समझ लो, शिवा को कहना सिर्फ 5 मिनट में इसका मतलब समझ ले, वरना इतना बड़ा धमाका होगा कि तुम कभी कोई कविता सुनाने लायक नहीं रहोगे। अरे शिवा से ही क्यों, किसी और से क्यों नहीं? हाय बोलो। क्योंकि शिवा की वजह से ही मेरा भाई जेल में है, इसलिए मैंने सोचा ये कवि सम्मेलन यहीं हो तो अच्छा है। शिवा से कहना, तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। शिवा, हेलो शिवा, ध्यान से सुनो, एक गुंडे ने धमकी दी है, अगर। ओके लड्डू सिंह जी, मैं जल्द ही इसका मतलब बताता हूँ। क्या हुआ शिवा? मैंने किसी गुंडे के भाई को जेल भिजवाया है, उसने ये मैसेज दिया है, हरी थी मन भरी थी, हजार मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दोशाला ओढ़े खड़ी थी। इस पहेली में ही वो क्लू छुपा है कि कहाँ ब्लास्ट होने वाला है। 5 मिनट में पता नहीं किया तो कहीं ब्लास्ट होगा। हरी थी मन भरी थी, मतलब वो हरे टांग की थी और एक मन वजन की थी, उसमें हजारों मोती जड़े हैं। वो एक माला हो सकती है, हरे रंग की माला। तू दुशाले का मतलब क्या है? मुझे क्या पता। और सोचो और सोचो, इतना आसान नहीं होगा। हरी थी मन भरी थी, हजार मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। तो ये राजा कौन है, मैं या लड्डू सिंह जी? मेरा कोई बाग नहीं है। हाँ लड्डू सिंह जी से पूछता हूँ। हेलो हेलो लड्डू सिंह जी, आपका कोई बगीचा है क्या, कोई गार्डन? या बगीचा? नहीं 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 नहीं, नहीं। बगीचा तो नहीं, लेकिन हाँ हमारे पुलिस स्टेशन के पीछे किचन गार्डन है। जल्दी बताओ, मतलब सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं, बताओ जल्दी। तो वही चेक करिए, राजा मतलब लड्डू सिंह जी आप, और आपका बाग मतलब आपका किचन गार्डन। बेड़ा नाम, जल्दी अपने किचन गार्डन में चलो, सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं, चलो। चलो फौरन लड्डू सिंह जी के पास, इससे पहले कि कोई बड़ी मुसीबत आए। कैसा लगा ये धमाका? इस बार धमाका हल्का था, सिर्फ ये मैसेज देना था कि मैं सीरियस किस्म का कवि हूँ, समझे? लड्डू सिंह जी एक और कविता सुनेंगे आप? नहीं नहीं, प्लीज मुझे और कविता नहीं सुननी है, बस करो। हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल, हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल। अरे कहा ना मुझे तुम्हारी कविता नहीं सुननी है। हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल, तुम्हारी कविता नहीं सुननी, बंद करो। तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब, सिर्फ 5 मिनट। अरे मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं पुलिस की ड्यूटी करूं या कविता सुनूं, या घड़ी में 5 मिनट देखूं? शिवा कहां हो?
लड्डू सिंह जी, मैं आ गया। शिवा, उसने फिर से कविता सुनाई। क्या? हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल, हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल। बस इतनी? पूरी कविता नहीं सुनाई क्या? पूरी कविता तुझे मैं सुना दूंगी, अभी जरा कुछ सोचने दे, सीरियस मैटर है। हाँ तो मुझे लगता है हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल मतलब हम्प्टी डम्प्टी नाम के दो आदमी किसी दीवार पे बैठे हैं। कोई दीवार ईवार पे नहीं बैठता, कुछ और सोचो। हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल, हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल। मुझे लगता है ग्रेट फॉल मतलब अब की वो कोई बड़ा टावर गिराने वाला है। नहीं, हम्प्टी डम्प्टी का मतलब है कि हम्प्टी डम्प्टी एग्स थे, और एग्स कहाँ मिलते हैं? पोल्ट्री फार्म में। ओ हो, यानी कि धमाका पोल्ट्री फार्म में होगा। बेर आराम, पूरी पुलिस फोर्स लेकर वेदास पोल्ट्री फार्म चलो, चलो। नहीं, धमाका वहाँ नहीं होगा, क्योंकि वेदास पोल्ट्री फार्म शहर से बाहर है। वहाँ अटैक करके उसे कोई फायदा नहीं। ओके। जो होगा शहर में होगा, और शहर के अंदर एग्स का क्या है? शहर के अंदर एग्स की बहुत बड़ी दुकान है जिसका नाम है एग्स ओनली, वो भी शहर के बीच में है। हाँ सही होगा, और वहाँ ब्लास्ट करने का मतलब बहुत सारा नुकसान होगा। चलो फौरन वही चलते हैं। उसका फोन आने के बाद अब केवल 4.5 मिनट बचे हैं। जल्दी करो। यहाँ कोई नया आदमी आया था क्या? कोई अजनबी कुछ देकर गया हो या कुछ रख कर गया हो? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं आया, और दुकान अभी अभी खोली है। हाँ, याद आया, पोस्टमैन आया था, वो लेटर बॉक्स खोल के कुछ देख रहा था, जरूर कोई लेटर डाल के गया होगा। क्या? नंदू सिंह जी, बॉम्ब इसमें है और सिर्फ 1 मिनट बाकी है। ओहो, ये बात है शिवा, तो चलो जल्दी से छुप जाते हैं। चलो छुप जाते हैं। हमारे छुपने से क्या होगा, बॉम्ब नहीं हटा तो पूरा मार्केट उड़ जाएगा। तो बच गए, अब मैं अपना मोबाइल ही स्विच ऑफ किए देता हूँ, वरना उसका फोन फिर से आ जाएगा। हेलो लड्डू सिंह जी, मजा आया ना? इस बार तो शिवानी बता दिया, अब आगे क्या होगा? अरे ये क्या खेल खेल रहे हो तुम? आई कविराज जी, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे आपको कविता ही सुनानी है। बोलो, आपको सुनाऊं या डायरेक्ट शिवा को? स्पीकर ऑन कर दिया है, एक काम करो, बोलते जाओ, सभी सुन लेंगे और सोचेंगे कि आगे क्या करना है। बोलो। अरे कविराज अंकल, ये छुप छुप के क्या कविता सुना रहे हो? सामने आके सुनाओ तो मजा आए।
आऊंगा आऊंगा, सामने भी आऊंगा, लेकिन पहले अपना हिसाब किताब तो बराबर कर लूं। तुम्हारी वजह से मेरा भैया जेल में है। तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? अभी मेरी कविता सुनो। हा? चाचा ने चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से सोने के बिस्किट खिलाए। सोने के बिस्किट? ये गलत है, तुमको कविता नहीं आती। अरे गलत हो या सही, मिलेंगे सिर्फ 5 मिनट। चांदनी की चौक मतलब है? चांदनी का ढाबा तो है, वेदा शहर के बाहर चंद्रा चौक पे है, वहाँ बहुत लोग आते हैं, बहुत फेमस है वो। मैं समझ गया, फौरन चलो चंद्र चौक के चांदनी का ढाबा, अगला ब्लास्ट वही होगा। चलो। हेलो हेलो ऑल पुलिस फोर्स, सीधा चंद्र चौक पे चांदनी के ढाबे में चलो और वहाँ बॉम्ब तलाश करो, जल्दी। एक मिनट और सोच लेते हैं, कुछ और मतलब तो नहीं? अरे नहीं शिवा, सोचने का टाइम नहीं है, चंद्र चौक दूर है और 5 मिनट के अंदर पहुँच के बॉम्ब को ढूंढना है। तुम सोचो, कुछ और समझ आए तो फोन करना, मैं चला, बाय बाय। जाओ, ये बात उतनी भी सीधी नहीं कि लड्डू सिंह जी भी समझ सके, जरूर इसमें कोई पेच है। और वैसे भी ढाबा तो शहर के बाहर है, वहाँ ब्लास्ट करने से ज्यादा नुकसान नहीं होगा, कुछ और मतलब है। चाचा ने चाची को सोने की बिस्किट क्यों खिलाई? चांदी की चम्मच से चटनी चटाई थी ना, ये सोने की बिस्किट कहाँ से आई? जरूर सारा राज इन सोने के बिस्किट का ही है। और सोने के बिस्किट कहाँ होते हैं? सुनारों के यहाँ बैंक में भी तो होते हैं। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, सबसे ज्यादा सोने के बिस्किट बैंक में ही होंगे, सुनारों के यहाँ तो बहुत थोड़े होंगे। अब बोलो सबसे ज्यादा सोना यानी सोने के बिस्किट किस बैंक में रखे हैं? ये तो लड्डू सिंह जी को ही पता होगा, पुलिस को सब पता रहता है। लड्डू सिंह जी, सबसे ज्यादा सोने के बिस्किट कहाँ मिलेंगे? अरे शिवा, यहाँ वेदास शहर को बचाना है और तुम्हें बिस्किट खाने की पड़ी है। आई, वैसे तो भूख मुझे भी लग रही है, कहाँ मिलेगी बिस्किट? ओ, मैं खाने वाले बिस्किट की बात नहीं कर रहा, सोने के बिस्किट की बात कर रहा हूँ। वो सबसे ज्यादा किस बैंक में होंगे? ओहो, गोल्ड बिस्किट वेदास सिटी बैंक में। शिवा, अभी पिछले हफ्ते ही 50 किलो सोने का कंसाइनमेंट आया है। तो लड्डू सिंह जी, आप फौरन चौक से लौट आइए, वहाँ चौक में कुछ नहीं मिलेगा, कवि राज ने हमें उल्लू बनाया है। पूरा पुलिस पोस्ट शहर से बाहर भेज के वो आराम से वेदास बैंक में रखे सोने के बिस्किट लूट रहा होगा। मैं वहाँ जा रहा हूँ, आप भी जल्दी आइए। पर कोई दिख भी नहीं रहा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। रिवा, वेदास बैंक के गेट के पास एक मैन होल है, मैं उसके अंदर से बैंक जा रहा हूँ। कविराज लुटेरा ने नीचे से एक बड़ी सुरंग खोदी है जो बैंक में निकलती है, वो इस समय बैंक लूट रहा होगा। तुम लोग लड्डू सिंह जी को लेकर जल्दी आओ। लोग कहते हैं शिवा बहुत तेज है, उसके होते वेदास शहर में कोई क्राइम नहीं हो सकता, मैंने उसे अपनी कविताओं के जाल में फंसा ही दिया। वो लोग शहर के बाहर चांदनी के ढाबे में बॉम्ब ढूंढ रहे होंगे। हाहाहा
ये देखो ऐसा क्राइम होने जा रहा है जो सैकड़ों साल तक लोग नहीं भूलेंगे। मेरी कविताओं के जाल में नहीं फंसे, लेकिन तुम जैसे बच्चे को मसलना मेरे बाएं हाथ का खेल है। बच्चा नहीं कहना अंकल। ओ, तो बच्चे को बच्चा नहीं तो और क्या कहूं? शिवा नाम है मेरा। मैं जानता हूँ, पर आज के बाद ना तुम रहोगे और ना ही तुम्हारा नाम। तुम लोग मेरी बारात में तमाशा देखने आए हो क्या? तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, रुको। अच्छा मजाक कर लेते हो लड्डू सिंह, अब आ ही गए हो तो तुम्हारी खातिरदारी भी कर ही देते। अरे ये क्या कर रहे हो, गिर जाऊंगा मैं। शिवा, वो भाग रहा है। जल्दी पीछा नहीं छूटेगा। बिना तुम्हारा इलाज के यहाँ से निकलना मुश्किल लगता है, तो चलो तुम्हारा इलाज कर ही देता हूँ। अब मेरी कविता सुनो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तुमको और पड़ेगी पुलिस की मार। एक पोयम मैं भी सुना देता हूँ, पुष्पा भाई पुष्पा। डाकू ने क्या किया, जेल में चोरी करी, अब तो जेल जाना पड़ेगा, जेल का खाना खाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा। बस करो, और नहीं सुन सकता।
जिंदगी में पहली बार जेल जा रहा हूँ। वो भी सिर्फ शिवा की वजह से।